एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? दो दो देशों के राष्ट्रगान को किसने लिखा था? 1878 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले को पैसे की कमी पड़ी तो मदद किसने की? आज से 157 साल पहले 7 मई 1861 को कौन पैदा हुआ था? आज बात उसी की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आज से 157 साल पहले पैदा हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठाकुरबाड़ी में 7 मई 1861 को एक बालक ने जन्म लिया जो बड़ा होकर विलक्षण प्रतिभा का धनी बना। आप उन्हें लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार या फिर चित्रकार कह सकते हैं, हम उन्हें गुरुदेव कहेंगे। ये नाम उन्हें गांधी जी ने दिया था। अंग्रेजों ने गुरुदेव से प्रभावित होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, जिसे गुरुदेव ने जलियांवाला बाग कांड के बाद वापस लौटा दिया था। गुरुदेव 1878 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आ गए। गुरुदेव ने गीतांजलि, गोरा, घरे, बायरे, जनगणमन, रविन्द्रनाथ संगीत, अमार सोनार, बंगला, नौका डूबी जैसी कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जो अमर हो गई। गुरुदेव 1908 में सियालदाह छोड़कर शांति निकेतन की स्थापना के लिए शांति निकेतन आ गए। इसकी स्थापना के लिए पैसों की कमी पड़ी तो देश भर में घूमकर पैसा इकट्ठा करने लगे। तब गांधी जी ने 60,000 रुपये का चेक उन्हें दिया था। बदले में एक को गुरुदेव तो दूसरे को महात्मा का खिताब दोनों ने एक दूसरे को दिया था। हम आपको बता दें, गुरुदेव साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नहीं बल्कि पहले एशियाई भी हैं। यह पुरस्कार उन्हें 1913 में दिया गया था। हम आपको बता दें, गुरुदेव का खिताब गांधी जी ने यूं ही नहीं दिया था। वे दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दो दो देशों का राष्ट्रगान लिखने का सौभाग्य मिला हुआ है। पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में भी गुरुदेव को आज याद किया गया। रीवा दर्शन गुरुदेव के 197वें जन्मदिवस पर हृदय से प्रणाम करती है। जाते जाते हम आपको बता दें, गुरुदेव के उम्र के अंतिम पड़ाव में इलाज के लिए जब कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने अपनी नातिन से कहा था, पावर हाउस से पुराना आलोक चला जाएगा, तभी तो नए का आगमन होगा।